नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं विप्लव कुमार। आपको बता दूं कि आज से विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला महासंगम 2023 का आज आगाज होना है और यह एक पखवाड़े तक चलेगा, जो 28 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। और सुबह के राजस्व मंत्री आलोक मेहता इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस तरह से गया के स्थानीय मंत्री, जो दो मंत्री हैं बिहार सरकार के, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सुबह के राजस्व मंत्री आलोक मेहता 4 बजे आज उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर गया जिले का स्थानीय मंत्री कुमार सर्वजीत और सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुंदर प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। वो भी उद्घाटन समारोह के अध्यक्षता कुमार सर्वजीत, जो कृषि मंत्री है बिहार के हैं, वो भी शामिल होंगे। इस तरह से गया जिले के बुद्धिजीवी समाज से भी कई लोग, पंडा समाज के लोग उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। इस वक्त मैं गया के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला के महासंगम का यह मंच बनाया गया और आप देख सकते हैं कि आज तैयारी की गई है और यहाँ पर आज उद्घाटन होगा और यहाँ पर बहुत व्यवस्था, यहाँ पर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था लगातार जारी है। कंट्रोल रूम बनाया गया है, संवाद सदन समिति कार्यालय है और यहाँ पे पितृपक्ष मेला में जो भी श्रद्धालु आएंगे, जिनकी जो भी समस्या होगी, यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है। 24 घंटा ये कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा। जो भी श्रद्धालु की समस्या होगा, उस कंट्रोल रूम पे नंबर जारी किया गया और उस नंबर पर शिकायत करेंगे और उनका सहायता तुरंत कंट्रोल रूम के पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा दी जाएगी। और वहीं अगर पितृपक्ष मेला में जो भी पिंडदान करने आएंगे श्रद्धालु, जो दिव्यांग हैं या फिर वृद्ध जन हैं, उनके सुविधा हेतु व्हील चेयर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। विष्णुपद मंदिर परिसर और फिर सीताकुंड और अक्षयवट में व्हील चेयर लगाया गया है। जो भी श्रद्धालु होंगे उनको पिंडदान तर्पण करने में असुविधा होगी, उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पितृपक्ष मेला में सहायता हेतु वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था किया गया है। मंच यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं पितृपक्ष मेला महासंगम 2023 का मुख्य अतिथि देखा जाए तो डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, जो बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री हैं, उद्घाटनकर्ता में आलोक मेहता हैं, जो बिहार सरकार के राजस्व मंत्री और इसकी अध्यक्षता करेंगे कुमार सर्वजीत, जो बिहार सरकार के कृषि मंत्री। और यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई और यहाँ पे मंच बनकर तैयार हो गया और यहाँ पे देखा जाए तो आकर्षक लाइटिंग लगाया गया है, पंडाल तैयार है, यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, गया जी में आने का सिलसिला जारी हो गया और पुलिस प्रशासन की पूरा व्यवस्था की गई है। इस तरह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गया जी में पिंडदान तर्पण करते हैं, पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था की गई। और आवासन की बात कर ली जाए तो गया जिले में 63 आवासन बनाए गए हैं, जो 17,800 तीर्थयात्रियों को रहने की समुचित व्यवस्था की गई है। अगर इस बात कर ली जाए तो पहली बार गया जी में कुछ हुआ है, तो इस बार गया जी को ऐतिहासिक पितृपक्ष मेला बनाने के लिए पहली बार श्रद्धालुओं के लिए गंगा जल पानी पीने के लिए मिलेगा और सीताकुंड के जो रिवर साइड जो वॉल पेंटिंग की गई है, वो मिथिला पेंटिंग की गई, उसमें रामायण सर्किट सीता से माता से जुड़ी हुई उनके कलाकृतियाँ आकृतियाँ दिखाई गई। इस तरह से पहली बार जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको इस तरह से देखने को मिलेगा और इस बार ऐतिहासिक बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इस बार जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद है और नगर निगम का भी काफ़ी पहल की गई है। और इस तरह से हमें उम्मीद है कि गया जी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र गया जी जो रबर डैम बना हुआ है और मिथिला पेंटिंग है, जो तिरंगा लाइट जो सीताकुंड की रिवर साइड पर लगाया गया है गया नगर निगम की ओर से, इस तरह से संध्या में तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होगा। विप्लव कुमार, नवभारत टाइम्स, गया।